राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अब हरियाणा के डॉक्टर्स भी राजस्थान के डॉक्टर्स की सपोर्ट में आ गए हैं। सिरसा की बात की जाए तो IMA की तरफ से हड़ताल कॉल की है और इस हड़ताल का असर सिरसा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिरसा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं। आज सुबह 6 बजे से लेके और कल यानी 5 तारीख को सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर डॉक्टर रहेंगे। और इस वक्त हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस वक्त जो है अस्पताल खचाखच भरे होते हैं, पेशेंट्स यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अब की स्थिति की बात की जाए तो आधा शटर जो है अस्पताल का बंद किया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। OPDs जो है वो नहीं हो रही। इसके अलावा डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि इमरजेंसी सेवाएं भी हैं वो नहीं की जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, सिर्फ स्टाफ के जो लोग हैं उनके अलावा यहाँ पर कोई पेशेंट्स नहीं दिख रहा हो। डॉक्टर भी हैं वो अपनी OPDs बंद कर IMA भवन में एकत्रित हो रहे हैं। तो हड़ताल का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, मरीजों को दिक्कतें और परेशानी हो रही हैं, क्योंकि 24 घंटे एकदम से डॉक्टर्स की हड़ताल पर चले जाना कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा के लगभग 30 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जयपुर में राजस्थान के डॉक्टर्स की सपोर्ट में गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आज छुट्टी का दिन है, बावजूद इसके नागरिक अस्पतालों में डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। लेकिन सिरसा के निजी अस्पतालों की बात करें तो तस्वीरें इसी तरह की हैं, बिल्कुल खाली हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं सिर्फ उनका ही इलाज जो है वो हो रहा है, उसके अलावा ना तो कोई OPD हो रही है ना ही कोई इमरजेंसी सेवाएं यहां पर ली जा रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर OPDs, ये डॉक्टर्स का रूम है डॉक्टर का, लेकिन यहां पर अभी फ़िलहाल कोई भी पेशेंट यहां पर नहीं दिख रहा और ना ही डॉक्टर्स हैं। तमाम डॉक्टर जो हैं वो IMA भवन में एकत्रित हैं और आगे की रणनीति बना दी है। डॉक्टर्स की तरफ से दो टूक कही गई है कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, राइट टू हेल्थ को फैसले को वापस नहीं लेती, तो आने वाले दिनों में डॉक्टर्स और ज़्यादा विरोध करते नजर आएंगे। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।